प्रणाम, हम हैं नलिनी पांडे। न्यूज 18 के खास भोजपुरी बुलेटिन में सब भोजपुरिया दर्शक के बहुत बहुत स्वागत बा। हम बताई देश दुनिया के खास खबर आपन बोली आपन भाषा भोजपुरी में। तो चली शुरुआत कर जाए इहे खबर बा से। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम माने सोशल मीडिया पर रील के भरमार बा। जिकरा मन में जे आई धड़ाधड़ रील पर रील बना के डाल देला। सोशल मीडिया पर फेमस होके खातिर लोग कुछ करे के तैयार बा। आपन फॉलोअर्स बढ़ावे खातिर जान पर खतरा उठा के रील बनावल जाला। अब ऐसने में रील के खातिर कितना आदमी जान से हाथ धो बैठलन। कई मियां बीवी में तो झगड़ा भी हो जाला। रील के खातिर कानून से खिलवाड़ कर जाला। अश्लील रील बना के समाज में गंदगी फैलाया जाला। तो कितना घातक है रील के नशा देखी। रील रील एगो नशा बा। जे रील बनावेला ओकरो खातिर आ जे रील देखेला ओकरे भी खातिर। काहे के जितना नशा बनावे में है उतना ही नशा ओकरा के देखे में है। एक बेर रील देखे के नशा लग जाए तो कब ये शुरू हुई और समय कैसे बीत जाए पता ना चली। घंटा के घंटा फोन पर गुजर जाला। रउआ के पता ना चली कि रील रउआ के बीमार कर सकेला। रेल के चक्कर में कितना लोगन के जान चल गई। केहो बाइक से टकरा के मौत के मुंह में समा गई। केहू के ट्रेन के चपेट में जान चल गई। केहू पहाड़ से खाई में गिर गई। केहू के छत से गिरे से जिंदगी समाप्त हो गई। ऐसने घटना भैल रहे महाराष्ट्र में, जहां एको 27 साल के लड़की आनवी कामदार के पहाड़ी से पैर फिसलने से खाई में गिर गई। रील के खातिर जवान लड़की के जीवन समाप्त हो गए। ऐसे एगो वीडियो वायरल भेल रहे जेमे एगो लड़का ट्रैक्टर के बाइक टायर के पैर के उठावे के चक्कर में रील बनावत रहे। चक्का ते उठ गए लेकिन लड़का के पैर ना उठ पाए। रील के चक्कर में लड़का के पैर के दो टुकड़ा हो गए। एगो और तस्वीर बा जे तेलंगाना से आयल रहे। ई वीडियो में एगो लड़का अपन मुंह में नाग सांप के पकड़ ले बाने। यही जो कहल जाला रील के नशा बाकी के नशा से ज्यादा खतरनाक बा। सोचल जाए सांप के मुंह में अपन मुंह में दबा के रील बनावे के कौन जरूरत रहे। नतीजा ई भइल जे सांप लड़का के मुंह में डस लेलस। बाद में लड़का के मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में भी रील के चक्कर में एगो हसत खेलत परिवार काल के गाल में समा गए। रेलवे ट्रैक पर रील बनावे के चक्कर में एगो ट्रेन के चपेट में परिवार आ गए। 3 साल के बच्चा के संगे परिवार के 3 लोग ट्रेन के चपेट में आके दम तोड़ देलस। ई रील वाला वीडियो कासगंज के बतावल जाला, जहां एगो लड़का रील बनावे के खातिर हर हद के पार कर देलस। बीच रोड पे मुर्दा बन के कफन ओढ़ के लेट गए। लोग ओकरा ऊपर फूल माला चढ़ावे लगले। लोग जानले कि ये कोनो लाश है, लेकिन वो रील बनावे के चक्कर में मुर्दा बन गल रहे। बाद में पुलिस लड़का के गिरफ्तार करके जेल भेजलस। डिजिटल जमाना बा और रील बनावे के खातिर लोग हद से गुजरे के तैयार हो गए बा। रील के नशा कितना खतरनाक होला ई वीडियो सब देख के रउआ लोग तो बूझ गए होबे। रील बनावे के नशा जितना खतरनाक बा उतना एकर देखे के चक्का। ई चस्का ऐसन बा जेकर कौनो इलाज नहीं खे। रील देखे का चस्का रउआ के बीमार कर सकेला। एकर असर धीरे धीरे सीधे दिमाग पर हुई। कौनो काम में मन नहीं लगी, मन विचलित रहेला, बेचैनी के शिकार हो जाला। ई को लेकर लक्षण बा। एजा खातिर रउआ लोगन से अपील बा कि रील के चक्कर में ना पड़ी आ अपन लड़का लोगन के रील से दूर रखी। काहे कि बच्चा सबके खातिर रील सबसे ज्यादा खतरनाक होला। आज के समय में मेहरारू लोगन के सुरक्षा एको बड़ा चैलेंज बा।
देश में आए दिन बहन बिटिया के साथे जौन दरिंदगी होता वो ये बात के सबूत है कि घर द्वार हो, बहरे हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, चाहे अस्पताल का ही नहीं हो, कौनो भी जगह बहन बिटिया की सुरक्षा के कौनो गारंटी नहीं है। अब ऐसे में बिटिया लोग डर के मारे घरे से बाहर निकलत से नाई बंद कर रहे हैं और बंद करहूं के नाई चाहिए। तब ऐसे में महरारू बिटिया के खुदे सतर्क होवे के खुदे आपन सुरक्षा के खातिर कदम उठावे के पड़ी। तब मोबाइल तो हर केहू के पास होला लेकिन ओकर सही इस्तेमाल करे के बहुत जरूरी बा। खाली रील बनावे के रील देखे खातिर एकर इस्तेमाल नहीं होए के चाहिए बल्कि आप अपने सुरक्षा खातिर भी मोबाइल के सही इस्तेमाल कर सकेले और ओकर अपन सुरक्षा के ढाल बना सकेले। कई ठो ऐसन मोबाइल एप्स बाड़े जेकरे मदद से मेहरारू केवल घरे से बाहर नहीं बल्कि दूसरे शहर में भी खुद के सुरक्षित महसूस करा सकेले। अगर राउर लोग कामकाजी बाटे और रोज रात या दिन में सफर करे लें तो आपके ई एप्स जो हम आगे बतावे जाए बाटी ई एप्स के जरूर डाउनलोड करे चाहिए और ओकर सही इस्तेमाल करे चाहिए। देखिए मेहरारू बहन बिटिया जोन पढ़ाई या कामकाज खातिर बहरे आवा जात रहे ने ये खबर उनके जरूर देखे के चाहिए। फोन के इस्तेमाल करके रउआ लोगन के हम बताई ऐसन एप्स के बारे में जोन मेहरारू के सुरक्षा खातिर बड़ा काम के है। अकेले सफर करे वाली महिला के स्मार्टफोन में ई सेफ्टी एप जरूर रहे के चाहिए। अगर ई एप रउआ के फोन में रही तो रउआ लोग कब्बो अनसेफ महसूस ना कर में। तो पहला ऐप है 112 माने 112 इंडिया ऐप। ये एगो ऑल इन वन महिला सुरक्षा ऐप है। संकट के स्थिति में एक बटन दबावला से अलर्ट जारी हो जाला। अगर मेहरारू लोग कोनो मुसीबत में बाटी तो केवल 112 नंबर डायल करे से कुल सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो जाए और आपके परिवार के तुरंत मदद पहुंचाई जाए। दूसरा है सेफ्टी पिन ऐप। ई ऐप हमेशा बतावत रहेला कि रउआ जमना जगह पर बानी वो सुरक्षित बा कि ना। अगर रउआ कोनो ऐसन जगह पर बानी जौन असुरक्षित बा तो रउआ ऐप में रजिस्टर्ड सभी नंबर पर मैसेज अपने आप चल जाए। तीसर है बी सेफ नेवर वॉक अलोन। महिला के सुरक्षा देवे अवरी सुनिश्चित करे खातिर ई बहुत जरूरी ऐप बा। ई ऐप हिंसा यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसन घिनौना अपराध के मामला में सबूत जुटावे में मदद करेला। ए ऐप में बहुत सारा अनोखा फीचर बा जैसे कि वॉइस एक्टिवेशन, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और लोकेशन ट्रैकिंग। इतना ही ना, लाइव लोकेशन शेयर होके खातिर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो जाला। जवना के दूर बैठल आपके दोस्त चाहे परिवार के सदस्य देख सकेला और सुन सकेला। तीसर है रक्षा ऐप। ई ऐप यूजर के वर्तमान लोकेशन भेजेला और परेशानी में पड़ला पे ओकरा परिवार के सदस्य के अलर्ट कर देला। ए ऐप में खास बात ई बा कि फोन बंद में और नॉन ऑपरेटिव मोड में भी यूजर अपना दोस्त चाहे परिवार के अलर्ट कर सकेला। पांचवा है स्मार्ट 24x7 ऐप। यह ऐप से परेशानी में पड़ल यूजर अपना दोस्त और रिश्तेदार से बात कर सकेला। 24 घंटा काम करे वाला ग्राहक सेवा केंद्र से भी तुरंत मदद लिया जा सकेला। ये एप्पल स्टोर पर और गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध रहेला। अगर तकनीक के सही इस्तेमाल होखे तो ये वरदान से कम नहीं खे। ए ऐप के मदद से महिला के खिलाफ होखे वाला आपराधिक घटना के बहुत हद तक कम कर जा सकेला। अगर रउआ रात में कौनो काम खातिर अकेले घर से बाहर निकलत बानी या कौनो ऐसन इलाका में रहत बानी जहां रोज आपराधिक घटना घटत रहेला तो सुरक्षा के नजरिया से ई ऐप मददगार साबित हो सकेला। तो रउआ लोगन आज खातिर इतना ही, लेकिन हर हफ्ते शनिवार और रविवार रउआ से एक बार फिर से मुलाकात हुई यही समय पर। रउआ के कौन खबर बढ़िया लागल, कौन खबर देखे के आप आगे चाहे हमरे एक्स अकाउंट के जरूर फॉलो करी और वहाँ जाके जरूर बताई। तब तक खातिर प्रणाम। काहे की भोजपुरिया सबले बढ़िया।
सबके बहुत शुभकामना। 18 आपको दिल से धन्यवाद। रुआ इतना बढ़िया सुझले बड़ा कि भोजपुरी में समाचार सुनने के मिली हमारे समाज के। जय हो, आप लोगन के बहुत आगे बढ़ा। जिस तरह पूरी दुनिया में भोजपुरी समाज के लोग हैं और उनको ध्यान में रख के ये बुलेटिन शुरू हो रहा है, मेरी बहुत शुभकामना है। न्यूज 18 एक भोजपुरी चैनल बनेले बाने, उनके बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जान के करेजा के बहुत ठंडक मिलल कि टीवी 18 न्यूज 18 भोजपुरी भाषा में बुलेटिन के एको नवकी नई शुरुआत कैले बानी। ये एक क्रांतिकारी शुरुआत बा कि आप लोग भोजपुरी में हम सबको समाचार सुनाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्रयास करते उत्तराखंड न्यूज 18 से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भोजपुरी भाषा के बढ़ावा देवे के प्रोग्राम ये तो बहुत अच्छा है, ये तो न्यूज 18 के लिए बहुत सारा हमारा धन्यवाद बा।